السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع و من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين اچھا جی آج مارا تبسم तबसुम जो है नाम भी होता है ना लोगों का इस मुसंग के क्या कहते कि जैसे जिसका नाम तबस्सुम हो उसको मुस्कुराना भी चाहिए इतना प्यारा नाम रखा होता है लेकिन अगर आप अक्सर बेशर लोगों को देखें तो वो मुस्कुराते कोई नहीं है सुबहाना और ला ने कुछ ऐसे इमोशंस हमको दिए हुए हैं कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हमको दिए हुए हैं जिनकी वजह से इंसान तौर पर सिर्फ अपना ही फायदा नहीं करता यानी दूसरों का फायदा नहीं करता अपना भी फायदा करता वो खुद भी वो उस जमीन की तरह हो जाता है जो पानी बारिश का जज्ब करती है और खुद भी खूबसूरत हो जाती है और लोगों के भी फायदे की हो जाती है लेकिन आजकल लोगों में ये चीज हो गई है ना खुद खुश रहते हैं ना दूसरों को खुश देख सकते हैं ना दूसरों को खुश रहने देते हैं ठीक है ना नहीं, एक किस्म के समझ लें कि अंदर कोई जहर है जो थोड़ी-थोड़ी करके हर एक को वो जहर देते जाते हैं जिस जिस से मिलते जाते हैं उस जहर का मजा उसको चकाते जाते हैं और वो भी उस जहर की आ, कड़वाहट को महसूस करता है तो जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जिस भी बात का हुक्म देंगे या जिस चीज के बारे में इनक्रेज करेंगे वो आपके फायदे की होगी और वो आपको खैर से भर देगी वो खैर आपको भी फायदा देगी और आप उसके जरिए से दूसरों की जिंदगियों को भी आसान करेंगे बस हमारी जिंदगी का अगर ये मकसद हो जाए ना और हम ये समझ लें कि इस दुनिया की हर चीज फानी है हर चीज को जवाल है हर चीज ने चले जाना है मुझे इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी इस दुनिया से मैं दुनिया में रहूंगी क्योंकि मैंने रहना है अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है मैंने इस दुनिया में रहना है लेकिन मैंने इस दुनिया और दुनिया वालों और दुनिया की चीजों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तब हम टूटते हैं चाहे वो बंदों से हो चाहे चीजों से हो कुछ भी हो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है जो कभी भी आपको लेट डाउन नहीं करती और वो अल्लाह सुबहाना एक्सपेक्टेशंस है अल्लाह आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगा अल्लाह सुबहान तो बड़े से बड़े गुनागार बड़े से बड़े नाफरमान के पलटने पर अल्लाह तला इस तरह करते हैं जैसे अल्लाह तला ने उसका पीछे कुछ देखा ही नहीं इस तरह उसको पाक कर देते हैं इस तरह साफ कर देते हैं ये है एक्सपेक्टेशन रखनी किसी से अगर किसी से एक्सपेक्टेशन रखती है तो ऐसी जात से एक्सपेक्टेशन रखें जिसका मामला ये हो इंसान के साथ दुनिया वालों के साथ हम जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो क्या करते हैं हम कहते हैं कि इनको चाहिए कि हमें माफ कर दें वो अगले पिछले सारे मुर्दे उखेड़ के ले आते हैं आप उनसे माफी की बात करेंगे वो माफ करने से पहले आपको सारी चीजें याद करवा देंगे तो आपने क्या क्या किया था क्या क्या कहा था किस किस जगह पर क्या किया था और अच्छा चलो अब तुमने माफी मांग लिया तो फिर हम्म अल्लाह सुबह का क्या मामला होता है अतम भी कमल्ला दम जो तोबा करता है अल्लाह की तरफ पलटता है गुनाह से वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं अल्लाह उसको ऐसे पाक साफ करता है अगर हमें अल्लाह सुबहान तला के असमौर सिफात का इल्म पता चल जाए ना जो अजीम तरीन इल्म है सबसे बड़े शर्फ वाला इल्म सुबहान तला की जात और सिफात का इल्म, है जिससे हम मोस्टली सारी जिंदगी अः बेपरवाह रहते हैं हम जानते नहीं अल्लाह को हम बस मुंह से कहते हैं हमें अल्लाह तला से प्यार है अल्लाह तला बस करेगा अल्लाह रहम करने वाला है हमने कभी समझा ही नहीं कि अल्लाह सुबहान तला कैसा रहम करने वाला है कैसे माफ करने वाला है किस तरीके से वो गुनाहों के ऊपर पकड़ भी नहीं करता और और ज्यादा मेहरबान होकर ढेरों सारी चीजें और दे देता दे यानी अगर हम ये महसूस करें ना और गौर फिक्र करने शुरू कर दें कि अल्लाह ताला का रहम और करम और अल्लाह ताला की सिफात क्या है तो हमारे आंसू ही ना रुके ये जो हम अपनी तकलीफों पर आंसू बहाते हैं ना हम अल्लाह की मोहब्बत में आंसू बहाने लग जाए क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत इज नॉट रियलो चाहे हम कितना भी कहना आप ये ना कहें आप गलत कह रही असल में हमने वमा अल्लाह की शान तो हमने पहचानी ही नहीं जैसे उसके पहचानने का हक है अल्लाह तला को तो जाना ही नहीं जैसा अल्लाह तला को जानने का हक है कि जो अल्लाह तला को जान लेता है फिर वो कहता है ये दुनिया इससे घटिया चीज तो कोई और है ही नहीं जिसके लिए मैं तड़पू या इसमें रहने वाले लोग वो इस काबिल नहीं है कि मैं उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखू क्योंकि उनकी उनकी लिमिट्स हैं अपनी अकल की लिमिट्स हैं उनकी जज्बात की लिमिट्स हैं उनकी माफ कर देने की लिमिट्स हैं वो उससे आगे नहीं बढ़ते उनकी हर चीज लिमिटेड है हर चीज पे एक जगह जाके स्टॉप लग जाता है हाँ जब अल्लाह से मामला करते हैं तो अल्लाह अर रहीम है कैसा रहीम जैसे देखे जैसी अ, 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 चलने की फीलिंग इसमें होती है ना वैसे ही अल्लाह बार कर बार, बार 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 होता ही जाता है कभी रुकता नहीं अल्लाह की सिफात में कोई रुकना नहीं है अल्लाह जब माफ करने पे आता है तो माफ करता है फिर माफ करता है फिर माफ करता है जब देने पर आता है फिर देता है फिर देता है फिर देता है फिर देता है, और देता ही चला जाता है जब तक अल्लाह उस जगह पे नहीं पहुंचा देगा जहां पर हमारी इटर्नल खुशियां होंगी और फिर भी नहीं रुकेगा देता ही जाएगा वहां पर भी कि जो सबसे आखिर जन्नत में जाने वाला होगा जो जहन्नुम में सबसे आखिर में निकलेगा और जन्नत में जाने वाला होगा उसको भी अल्लाह सुबहान तला इतनी सल्तनत देगा कि वो हैरान हो जाएगा वो ला तला से कहेगा तला आप मेरे साथ मजाक करते हैं तो मेरी प्यारी बहनों ये जो तबसुम की बात है ना कि मुस्कुराना ये मुस्कुराना हमारी जिंदगी में कब आएगा जब हम देखेंगे कि वसल्लम की क्या दिल की खुशी थी जिसकी वजह से जिंदगी में इंतहाई मुश्किलात के बावजूद, इंतहाई मुश्किलात के बावजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले थे हैरत होती है ना हैरत होती है क्यों अल्लाह सुभान व क्या देखिए अब हम पहले ये पल्ली आयत और फिर मैं आपको इसके ऊपर हम और फिक्र करेंगे कहा अल्लाह ताला फतबस्मा ताहिकम فتبسّمت ضاحكا من من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كيف هو ومسكراتي وهسي اس نمل اس ने कहा था कि चलो चलो अपने घरों में चली जाओ कि कहीं सुलेमान सलाम अपने पांव तले और अपने उनका लश्कर जो है अपने पांव तले रोंद ना दे तो उसकी बात इन्होंने सुन भी ली अब चूंटी की आवाज आपको आती है उसकी आवाज सुन भी ली और समझ भी ली उसकी बोली और क्या आगे से फौरन क्या कहा यानी मुस्कुराए अल्लाह अल्ला देन के ऊपर अल्लाह एबिलिटी अल्लाह ने उनको दी है ability, ability. उसके उनको ऐसे दहा का दहासने को कहते मुस्कुराए और कहा रब्लाझे डिसिप्लिन कर दे वजह का क्या मतलब अन है कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं ही करूं उस नेमत पर जो तूने मुझे अदा की वाह और वो नेमत जो तूने मेरे माँ बाप के ऊपर की ईमान की नेमत शुक्र की नेमत आ, नेमत को पहचानने का की एबिलिटी ये भी बहुत बड़ी चीज होती है एबिलिटी बहुत सारे लोगों में नहीं आती क्योंकि वो फोकस किसको कर रहे होते हैं जैसे वो किसी टीचर ने पूरे बड़ा बोर्ड रखा था ना व्हाइट बोर्ड था उसके पास तो उसने उसके ऊपर ब्लैक डॉट लगाया उसने कहा इसको देखें इस बोर्ड को और मुझे बताएं आपको क्या नजर आए तो सबने क्या कहा काला डॉट काला डॉट ब्लैक डॉट है ब्लैक उन्होंने कहा

पूरी खुशियों के ऊपर उस गम की चादर को बिछा देते हैं और उसको ले लेके एक किस्म का क्या कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली हमको समझ नहीं आ रहा होता और हम अपने आप उस दुख के साथ तस्कीन देने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप सेल्फ पिटी के शिकार हो जाते हैं और ये नहीं सोचते कि यू नो व्हाट यू शुड बी थैंकफुल

अपने मसले को बड़ा करने की कोशिश करके उसी के ऊपर गौर फिकर करके और तो फिर जिंदगी नहीं समझ आती जिंदगी तब समझ आती है कि यू नो व्हाट आई जस्ट वांट टू डिस्कवर व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड हु इज हु हैज लेस देन मी एंड स्टिल हैप्पी लेट मी सी लेट मी फाइंड आउट जाके हस्पतालों में देखें कि क्या क्या लोगों को बीमारियां हैं क्या क्या परेशानियां हैं क्या क्या मुसीबतें हैं उसके बावजूद मैंने आपको पिछली दफा बताया था ना कि हम हमारे एक भाई है बहनोई वो आ, उनकी आखिरी स्टेज है और डॉक्टरों ने बस जवाब दे दिया तो वो उनको पता है कि ये उनके साथ क्या हो रहा है उनको कहा था कि पैलिएटिव केयर में ले जाइए उनको तो अब वो उस तरह उसपे है बेड पर है हमने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है क्योंकि इस दुनिया की हर चीज फानी है हर चीज फानी है और बस अल्लाह सुबह तक से ये उम्मीद रखनी है कि अल्लाह तुमने जिस हाल में रखा है ना जिस हाल में रखा है आपकी हिकमत मेरी अकल मेरी सोच मेरी समझ से बहुत बड़ी है मुझे नहीं समझ आ सकती कि आप आपने क्या आ, न, सोचा है मेरे बारे में कि आपने मुझे इस मुश्किल में से गुजारे मैं शुक्र अभी अदा कर सकता हूँ आप यकीन करें वो बोल नहीं सकते आप क्योंकि उन उनका गला जो है वो ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल से खाते हैं और बहुत थिक करके पानी को पीते हैं पानी में थिक डालते हैं क्योंकि पतला पानी नहीं पिया जाता बट द वे ही स्माइल्ड एंड द वे ही रेस हिज बोथ हैंड्स लाइक जैसे दुआ के लिए उठाते और ऐसे सर को कर रहे थे जैसे झूम रहा इंसान मैं जिस वक्त वो याद करती हूँ मुझे रोना आता है अल्लाह सुबहान तला आप किस तरीके से किसी बंदे को जो जिंदगी से मायूस हो चुका हो उसके चेहरे पर ये मुस्कुराहट कैसे आ सकती है और वो बोल नहीं सकता लेकिन वो किस तरीके से अपने आप को हिला के अल्लाह के शुक्र कर रहा है? है? है क्या क्या चीज़ चीज़ उसके दिल में क्या चीज़ है कि जो उसको इतनी बुरी हालत में भी मुस्कुराने पर और शुक्र पे मजबूर करी और क्या चीज है मेरे पास कि मैं इतना कुछ होके भी तंग हूं और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती और मेरा रोना नहीं थमता और मेरी तकलीफ मुझ मेरी सेल्फ पिटी नहीं जाती मेरे से क्या फर्क है नहीं जाना अल्लाह ताला को नहीं समझा जिंदगी को स्टिल नीड टू लर्न सो मच क्योंकि नेमत का शुक्र करके ये क्या देखे जरा आगे क्या का है अल्लाह मैं तेरा नेमत का शुक्र करूं उस करूं करू ने के कामों के लिए इस्तेमाल करूं सो लिटल टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम है मैंने वो काम करना है जो मैं इधर करने के लिए आई हूँ आई नीड टू री विजिट माई सेल्फ री थिंक अबाउट द परपज ऑफ माई लाइफ अभी तक मैंने नहीं समझा मैं क्यों हूं इधर वट एवर अबिलिटी यू हैव गिवन मी मैंने उनको नकमाल के ऊपर लगाना है मेरे पास जितना टाइम है पांच चीजें पांच चीजों से पहले फायदा उठाना है मैंने और नेक अमल करके जो अल्लाह को राजी करने वाला हो जिसमें कोई और किसी चीज का शैबा भी ना हो मैं हर उस नियत पे क्रॉस लगाती जाऊंगी जिसमें दुनिया शामिल हो जाए जिसमें मेरे रब की खलुस के साथ जो मैं अल्लाह के लिए काम करूं उसमें जरा सा भी गड़बड़ाई मैं उस नियत को क्रॉस आउट करूं और निकालूं अंदर से सिर्फ अल्लाह को राजी करना है फिर सिर्फ अल्लाह को राजी करना है सिर्फ अल्लाह को राजी और फिर क्या दुआ करते हैं वह अदखिलनी बाहमति का नेमत शुक्र की नेमत दे ने करने की नेमत दे मैं आपको राजी करूं और मुझे अपनी रहमत में दाखिल कर ले कहीं मैं अपनी ने, अपनी, ने, अपनी नेकियों को जाया ना कर दूं मुझे अपनी रहमत में दाखिल कर लेना मेरी नेकियों की हिफाजत करना और मुझे किस में दाखिल करना इबादत नेक नेक साले लोगों के बीच में अपने ऐसे बंदे जो नेक और साले हैं जो सुलह जोई वाले हैं जो इसलाह करने वाले हैं, जो अपने साथ भी सुलह जोई करते हैं अपने साथ भी हमदर्दी करते हैं और दूसरों के साथ भी इसलाह जो होता है ना वो फसाद का ऑपोजिट होता है फसाद किसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन को इम्बैलेंस हो जाना कोई भी चीज का और इसलाह क्या होती है बैलेंस चीज सही चीज जैसा उसको होना चाहिए तो हम यानी कभी हम सुबह आंख खुली तो हमने फतबसमाहन किया अल्लाह आंख खुली है तो नजर आ रहे हैं रंग या अल्लाह कैसे तेरा शुक्र अदा कर सकते हैं एक ये नेमत इतनी बड़ी है कैसे तेरा शुक्र अदा करूं मैं तो कुछ भी नहीं देती अल्लाह और ये नेमत मेरे पास है तो मुझे क्या कर रबी औनी अल्लाह मुझे डिसिप्लिन कर दे मुझसे करवा क्या अना शुक्र गलत अल्लाह तेरे नेमत का शुक्र में अदा करो, आवाज आई है आजान की अल्लाह कैसे तेरा शुक्र अदा करूं मैं मुस्कुराऊं मैं मुस्कुराऊं खुश हूं अल्लाह कैसे तेरा शुक्र अदा करूं मेरे कान सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुंह से निकले अल्हम्दुलिल्लाह इल्लादी अहियान बाद अमा माता ना वाले ही नुशुर अल्लाह कैसे तेरा शुक्र अदा करूं मेरी जुबान बोल रही है मेरी जुबान बोल रही है सांस ले तो अल्लाह कितने आराम से सांस आ गया कोई सिलेंडर साथ पड़ा है कोई मशीनें लगी हुई है कोई मुझे बोझ है कि मैं वॉशरूम तक नहीं जा सकती कि मेरा सिलेंडर मेरे साथ जाए अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कैसे शुक्र अदा करूं क्यों ना मुस्कुराऊं क्यों ना खुश हूं काफिरों को देखे हम इधर इन मुल्कों में रहते हैं ना आप यकीन करें कि जैसी अब गर्मी आई है ना इनकी लड़कियों की छोटे छोटे कपड़े निकल कर पहनी होती है बिल्कुल नंगी होती है उनको देख के मैं उनके लिए दुख थी और मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह क्या मैंने क्या किया है हमने ये तूने इतनी बड़ी नेमत ईमान की दी है कि हमें पता है कि आगे जब हम जाएंगे तो लत तेरी रहम तेरा रहम हमारे साथ होगा क्या किया था कि हमने क्या अल्लाह सुबाना तला के लिए किया है कितनी बड़ी नेमत दी है कि हमें मुसलमानों के घर में पैदा किए शुक्र नहीं करूंगी मुस्कुराऊंगी नहीं सजदा नहीं करूंगी अल्लाह लाख लाख शुक्र कितने लोग हैं एथियस्ट हैं नाम के क्रिश्चियंस हैं नाम के जू है नाम के हिंदू नाम के सिख अल्लाह का कोई तस्वुर नहीं उनकी जिंदगी में और वो अपने आप को ही मार देते हैं। उनको कोई उम्मीद ही नहीं है किसी से बंदों से टूटते हैं तो उनके पास कोई सहारा नहीं है सुबह आके कह सके कि आप मेरे साथी आप मेरे दोस्त हैं आप मेरे वली हैं उनके लिए डेटेंट हो जाता है मेरे लिए तो नहीं डेटेंट है मेरे लिए तो हार वक्त चाहे मैं मुश्किल में हूं चाहे मैं सुख में हूं मेरे लिए तो बहुत सारी बड़ी उम्मीद है मेरा रब मेरे साथ है कैसे नहीं मैं खुश हूं? कैसे नहीं नहीं मैं मैं खुश मेरे पास मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को दफन करके कितनी तकलीफें लोगों से उठा के कितने जान के ऊपर तकलीफें की कितनी कोशिशें हुई थी को। जहर भी खिलाया गया और और तरीके से भी कितनी, कितनी भूख देखनी पड़ी कितने अपने साथियों को आप इमेजिन कर सकते कि सत्तर साहबा जब शहीद हुए थे रसुल्लाम के बहुत क्लोज स्टूडेंट्स बहुत क्लोज बहुत प्यार प्यारे बंदे जिनको ट्रेन कर दिया था जिनको कुरान सिखा दिया था उनको ले जाके उन्होंने मार दिया सबको इकट्ठे और ये इतला आई आप क्या समझते हैं कि उसके बाद इंसान सोचिए हाय मैं कैसे मुस्कुराऊं किस बात पे मुस्कुराऊं मुझे कितना बड़ा शौक लगा लेकिन रसुल्ला के बारे में आता है कि सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले थे और एक साहब ही कहते हैं कि कभी भी मैंने उनको नहीं देखा कि उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा ना रहे हो क्या फर्क है किस चीज की उम्मीद है जिसकी वजह से चेहरा मुस्कुराता है और अल्लाह तुझू यो मे दिन मुस्फिरा तुम कि उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे हंस रहे होंगे जो उनको खुशखबरी मिल रही होगी उसके ऊपर वो खुश हो रहे होंगे उस दिन की उस दिन की उम्मीद हमको इस दुनिया की फानी मुश्किलों के बावजूद मुस्कुराने पे मजबूर करती है क्योंकि हमें पता है कि ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं तो जो मेरा रब है वो हमेशा रहने वाला है और जो उसने हमारे लिए छुपा के इनाम सरप्राइजेस रखे हुए हैं वो वो मुझे मुस्कुराहट दे देते होता नहीं कभी कि कि आपको पता है कि आपके घर वालों ने कोई सरप्राइज रखा हुआ है और सारे चुप चुप के बातें कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और आप भी मुस्कुराते हो हम्म आई नो देर इज सरप्राइज फॉर मी तो ऐसी फीलिंग आप जन्नत के लिए रखे ना और आप मुस्कुराए उससे क्या होता है ये जो मुस्कुराहट होती है ना इस पे कोई पैसा नहीं लगता ये मुफ्त आप बांट सकते हो लेकिन जो बांटता है उसको वा, वापस जो खैर मिलती है इस, कोई पैसे नहीं है इस पे। कि आपका कुछ खर्च हो जाएगा आपसे कुछ घट जाएगा आपकी कोई कमी हो जाएगी एक मुस्कुराहट से दूसरों की दिन जो है ना वो बन जाता है पूरा का पूरा दिल खुश हो जाता है हमारे घरों में इस चीज की बहुत कमी है अक्सर बिश्तर मैं देखती हूँ बच्चे क्यों स्माइल नहीं करते आप यकीन करें मैं डिस्कवर करती हूँ इस बात को बड़ी दफा डिस्कवर किया कि माए नहीं स्माइल करती माए मुस्कुराती नहीं अल्लाह भी दर्शाने तो बच्चे भी सीरियस हो जाते हैं उनको लगता है कि शायद इस तरह ही का चेहरा होता है नॉर्मल क्योंकि वो मोस्टली अपनी माँ को देख रहे होते हैं ना, तो दोनों किस्म के रवैयों के बीच की बात करनी चाहिए पिछली दफा मैंने आपको क्या कहा था रसुल्लाम के मजाक के बारे में रसुल्ला मजाक के, के बाद उनका एक्सप्रेशन क्या होता था वो मुस्कुराते थे मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि हंसते हैं मैंने ये बताया था ना कि आवाज के साथ नहीं हंसते थे लेकिन ऐसे उनका मुंह खुलता था हल्का सा वजह से उनकी दाढ़ी नजर आती थी लेकिन उनके गले का कवा नहीं नजर आता था तो वो गले के बीच में एक बोटी सी लटकी होती है ना ऐसे नहीं मुंह खोलते थे कि वो पीछे हलक तक इंसान देख सके लेकिन हल्का सा मुंह खुलता था जिससे दाढ़ी नजर आ जाती थी आवाज नहीं होती थी उनके मुस्कुराहट में ये जो ये दाहक होता है ना कि हंसने के अंदाज में हंसता इंसान आवाज के बगैर और मुंह खोले बगैर पूरा मुंह जो इतना बड़ा मुंह इंसान खोलता है ना उसके बगैर थोड़ा सा मुंह खोले पता चले कि हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आवाज ना हो उसमें उस तरह की रसुल जब बहुत खुश होते थे तो तबस्सुम फरमाया करते थे मुस्कुराते थे तबस्सुम जो होता है ना वो मुस्कुराहट से ज्यादा बड़ी चीज है हम उर्दू के बीच में ना उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हशाश बशाश होना खुश होना बसाम बस कहते हैं बहुत ज्यादा मुस्कुराने वाले को तो अल्लाह सुबहान तला से अः की दफा मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि आज आपका उधर क्या हो गया शाम हो गई है ना रात को लेटे तो मुस्कुराएं मुस्कुराए सोने से पहले मुस्कुराए उठ कर घर में चलते फिरते मुस्कुराए आपकी मुस्कुराहट से एकदम माहौल चेंज हो जाएगा और आपकी सीरियसनेस और दुखी चेहरे के साथ एकदम माहौल चेंज हो जाएगा पिछली दफा मैंने आपसे कहा था कि आप अपने मजाक की कोई बात शेयर जरूर कीजिएगा कि जरा हम भी मुस्कुरा लें तो जरा मुझे बताएं कि कोई बात आपको याद आई किसी को के कोई शेयर करे कि हम थोड़ा सा मुस्कुराए कोई जिंदगी का कोई वाकया जिससे जो मजाइया था हुँ? नहीं कोई, कोई ऐसी चीज नहीं होती कोई ऐसे जोक्स नहीं होते जिसके ऊपर आपको मुस्कुराहट आ जाए हंसी आ जाए, जिंदगी में अक्सर मेरा भांजा कहता है छोटा सा तो जी आप कोई कहने लगे कुछ अच्छा तो वो बातें हो रही थी बखूर की बखूर आपको पता ना कैसे जलाते हैं वो जैसे वो स्टैंड सा होता है उसके बीच में आजकल बखूर ऐसे हो गए कि प्लग, प्लग इन करें ना उनके साथ तार होती है प्लग इन करें और उसके बीच में खुशबू डालते बखूर डालते हैं तो वो हीट अप हो जाती है उसकी प्लेट तो वो खुशबू फैलने लग जाती है। तो बैठा सुन रहा था मेरी बहन बात करी थी अपनी सहेलियों के साथ कि उनकी कब्बर से तो खुशबू बखूर की आ रही थी और ये तो तो पूछता उनसे लेकिन कब्र में उन्होंने प्लग किधर लगाया था इस हंसे हम उसकी इस बात पे कि उसने सोचा कि बखूर अगर लगता है तो वो फिर उसी तरह का प्लग अंदर कोई कब्र में लगा होगा डिफरेंट सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना जिसकी वजह से बहुत ही हंसी आ जाती है तो उसने अपने तौर पे सोचा अच्छा, अच्छा अ, मेरे भाई की पहले दाढ़ी नहीं थी और उसके मुझे थी तो उसका नाम खालिद है पता नहीं क्या बात हुई उस अफशी ने पूछा कि जन्नती खालिदीना फी उसमें रहेंगे तो कहता है जन्नतियों सिर्फ वो अपने से जोड़ जोड़ के हर चीज यानी उसकी बातें ऐसी होती हैं जो ऐसा मजाक क्रिएट कर देती हैं कि हम मुस्कुराए बगैर रह नहीं सकते हंसे बगैर रह नहीं सकते मजेदार बातें करता है तो आप लोगों का को कोई ऐसा जोक नहीं याद आ रहा कि जो आप शेयर कर ले तो आप मजा आए पिछली दफा वाले हमारे पार्टिसिपेंट ही नहीं है जिनको हमने कहा हुआ था चले कोई बात नहीं आगे की हदीस पढ़ते हैं फिर देखते हैं हैंड रेज़ अच्छा जी, जी 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 बोले बोले अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अबीहा है जी मैं जानती हूँ आपको इंट्रोड्यूस करा दू हाँ जी जी हाँ तो मेरे आई हैव अ स्कूल ना तो हुँ. स्कूल में कुछ बच्चों को ये जो होते हैं शेप्स के नेम वो याद करा रहे थे तो हुँ. एक सिंपल सा शेप है सी आई आर सी एल ई दैट इज सर्कल वो बच्चा हुँ. कहे नहीं सी आई आर किर सी एल ई क्ली क्रिकली <laughs> वो किरकिली ही बोलता था वो कभी भी नहीं बोलता था उसको शायद उसको प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से उसने याद किया हुआ था कि वुड ऑलवेज से हम उसको इतना फोकस करते थे कि इट इज नॉट किरकिली इट इज सर्कल नो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट्स इट्स सी आई आर सी एल ई किरकिली अच्छा जी अभी भाई मेरी भतीजी ये मेरे अः है उनकी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह आपके भी अभी आप बहुत सारे जोक्स हैं हाँ और... लेकिन अब क्या करें अब क्या करें चले जी ऐसे करते हैं आगे की हदीस पढ़ते हैं बात सारी है कि सबने हमने ये देखना है कि किस वजह से जिंदगी में रौनक आ सकती है मुस्कुराहट आ सकती है उसको फोकस करना है अपनी नियमतों को फोकस करना है और हमारा रोल मॉडल कौन होगा इस चीज़ के लिए कैसे हम खुश रह सकते हैं कैसे हम अपनी परेशानियों को इग्नोर करके और हम मुस्कुरा सकते हैं जब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे और वाकई आप यकीन करें कि हैरत होती है कि इतनी मुश्किल और इतनी तकलीफें आजकल के जमाने में रसूल को जो तकलीफें तकलीफे उनमें से एक भी हो जाए तो हम कहें कि, लोग कहते हैं हम डिप्रेशन का शिकार हो गए हम डिप्रेस हो गए और मैं उसमें से निकल नहीं पा रही मुझे तकलीफ है मैं और अगर हम रसूल रसुल्लासम को देखें तो हम कहें कि उफल्ला इतनी सारी चीजें लेकिन उसके बावजूद कि की रसुल्ला सबके सब साथ इतने आ, आ, मामले यानी उनके देखे अभी मैं आपको बताती हूँ कि के साथ उनके कैसे मामले आते हैं बहुत ही और बहुत ही अच्छा मामला जिसमें खुश रहना कोई मुश्किल बात नहीं थी अगली हतीसिल्ला हार इन अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं कि अहदन मैंने कोई नहीं देखा कोई एक भी काना अक्सरा जो होता ज्यादा बसुमन में रसुल्ला मुस्कुराने में रसूल मतलब खुतबा दे रहे होते थे या कोई ऐसी बात बता रहे होते थे जो बहुत सीरियस होती थी नॉर्मल हालात में उनके चेहरे का एक्सप्रेशन मुस्कुराहट होती थी आप सब लोग जरा आते जाते अपना चेहरा देख लिया करें शीशे में मैं भी आपको कह रही हूं अपने लिए भी कह रही हूं कि देख लेना चाहिए कि आदत होती है मुस्कुराहट की uh, मेरे पास एक मेरी स्टूडेंट थी और माशाल्लाह कि उसका चेहरा यकीन करें कि जैसे कहते हैं ना कि मुस्कुराहट वाला चेहरा नॉर्मल उसका जो एक्सप्रेशन था ना बैठे हुए खामोशी में है, मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पे और मैं सोचती हूं कि सुबहान अल्लाह कि कितनी प्यारी चीज है कि हमारे चेहरे का ऐसा दूसरा कितना खुश हो जाता है अच्छा अब अः सल्लम के बारे में देखें कि एक आ, एक जगह से रसूल वापिस आ रहे थे और हजरत ने कहते हैं कि नबी करीम सल्लम ने मोटे किनारों वाली निजरानी चादर रखी थी यानी मोटे किनारे जैसे आप समझ लीजिए जैसे उसका बॉर्डर सा बना हुआ था रास्ते में एक आराबी दोनों के पीछे चलता हुआ आया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाक़ात करना चाहता था जब वो करीब आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर का पल्लू उसके हाथ में आ गया यानी चल रहे थे और वो भी पीछे आ रहा था तो उसने मुतवजह करने की को कोशिश की लेकिन चादर का पल्लू हाथ में आ गया उसने चादर को एक झटके से खींचा अनस रजील तुम बताते हैं कि उस बद्दू ने चादर इस शिदत से खींची नबी करीम की गर्दन पर रगड़ के निशान पड़ गए ये क्या जाता था आप सोचते होंगे कि बहुत ही कोई जरूरी काम से आया होगा उसका घर जल रहा होगा और वो मदद के लिए आया मुश्किल वो ताउन के लिए था नहीं, नहीं, नहीं उसने छूटते ही क्या कहा ए मोहम्मद सलमी एहतराम भी नहीं किया ये नहीं कहा या रसूल ए मोहम्मद या मोहम्मद और निायत दुरुस्त लहजे में बोला ए मोहम्मद आप तुम्हारे पास अल्लाह का जो माल है उसमें से मुझको भी कुछ दो मांगने वाला था मांग रहा था कुछ सदका मांग रहा था और उसने क्या किया रसुल्ला की गर्दन पे इतनी जोर से खींचा के रगड़ लग गई रसुल्ला ने मुड़कर देखा और मुस्कुरा दिए यानी इतनी बेदबी के बोल भी सही तरीके से नहीं रहा मुखातिब भी सही नहीं कर रहा और मांग भी रहा है और साथ में गर्दन भी रगड़ा लगा दिया और कि हम इनकी तरफ देखें तो हम कहें कि अब अगर कोई हम चल रही हो ना और पीछे से बच्चा कोई हमारा हिजाब खींचते अक्सर आप देखें मांग को जिन्होंने हिजाब बांधे होते हैं या पीछे से अगर बच्चा उनका खेचते तो वो उसकी शामत आती है कि मुंह से बोलो हाथ क्यों लगा रहे हो खींचा क्यों है मेरे मुझे गले पे ये हो गया मुझे वो हो गया वो हो गया यानी हमारे पास सारी एक्सक्यूज़ेस हैं बदमिजाज होने की छोटी से छोटी बात से लेके बड़ी से बड़ी बात और वसल्लम की जिंदगी में हम देखते हैं कि शुक्र और मुस्कुराहट और सुकून और इतमान हर जगह पर मौजूद है चाहे वो सिचुएशन कैसी भी हो तो जब तक हमारा कोई रोल मॉडल नहीं ना होगा रोल मॉडल बहुत जरूरी चीज है उसके बगैर काम नहीं चलेगा यू नीड टू हैव अ गोल नो वॉट दिस इज माई गोल जब आप बहुत ऊंचा गोल रखते हैं ना तो फिर आप कही कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जब आपका फोकस या आपका गोल कोई आपके आसपास का बंदा है जो मिनट मिनट पे भिदक जाते है ये जो जजा फजा करने वाली पर्सनैलिटी है ना ये आपको बहुत मिलेगी खुशी में आउट ऑफ कंट्रोल होके इतना हंसना इतना हंसना जैसे लगे कि पता नहीं क्या हो गया और गम में इत, अगर छोटा सा भी झटका पड़े तो इतना रोना इतनी जजा फजा करना इतना शिकायतें और शिकवे करना कि आप कहें कि इनके पास तो कोई ही कोई नहीं यानी हम दो एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं दरमियान में नहीं रहते और अगर रसूल की तो हमें आती है। और अब हमने मैं सोचती हूं कि मैंने है, मेरी भी हंसी में आवाज होती है लेकिन जब मैं उस को देखती हूँ ना आज मैंने उस ताजा से ही पूछा था क्योंकि पिछली दफा जब मैंने कहा ना कि रसुल्ला वसम का थोड़ा सा मुंह खुलता था और मुस्कुराते थे जब खूब खुश होते थे और उनकी दाढ़ी नजर आती तो फिर मुझे यू किसी ने कहा कि नहीं उनको ये लगा कि मैं ये कह रही हूं कि हंस रहे थे रसुल हंसते थे आवाज के साथ नहीं मैंने ये कहा नहीं कहा था कि हंसते थे मैंने कहा था कि आवाज के बगैर उनकी मुस्कुराहट होती थी और ऐसे कि मुंह थोड़ा सा खुलता था और उनकी दाढ़ी नजर आती थी तो आज फिर मैंने उस से पूछा और उन्होंने मुझे बताया और और मुझे बिल्कुल याद आया कि उसताजा भी ऐसे हंसती अच्छा सा हंसती लेकिन आवाज नहीं होती उसमें और वो थोड़ा सा खुलता है अल्हम्दुलिल्लाह तो ये अपनी जिंदगी में हम लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जब बहुत ज्यादा हंसते हैं ना तो रसुलसम की एक हदीस है कि गहका लगा के आवाज के आवाज साथ ना हंसा करो क्योंकि दिल होता है उसके बाद इंसान को खाली खाली लगता है जब बहुत ज्यादा हंस लेता है ना तो बहुत ज्यादा वो एक खाली खाली सी फीलिंग होती है तो हमने क्या करना आपस की मेल मिलाप में मुस्कुराने और ये जो मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने दुनिया की असलियत को समझ लिया तो फिर आपके मुस्कुराने के बहुत सारी वजूहत हैं आप ढूंढने लगेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ओ माई गॉड देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी हैप्पी अबाउट आई एम हैव ऑल दीज ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह सुबहाना तला और ये एबिलिटी मांगनी भी अल्लाह ताला से अब का अल्लाह सुबह ने कुरान पाक में सूरत में क्या फरमाया है कि वही है जो तुमको हंसाता है और रुलाता है तो अल्लाह ताला से ये एबिलिटी मांग ले कि अल्लाह सुभान व सुबहान मुझे, मुझे मुस्कुराने की हिम्मत दे मुझे शुक्र की तौफीक अता फरमा मुझे अपनी नेमतों को देखने की सलाहियत दे कि मैं देखूं और मुझे जिस वक्त कोई दुख आए ना एकदम देखें मेरे पास कितनी है और जब रोने का वक्त हो तो रोए क्योंकि रसूल ने क्या फरमाया था कि अपने गुनाहों पर रो अल्लाह तला के आगे रोना बहुत अच्छी चीज है लोगों के आगे रोना बुरी बात है इवन ये भी कहते हैं कि बच्चों के सामने माँ का उनकी नाफरमानी पे रोना अच्छी बात नहीं है क्योंकि बच्चे बेबाक हो जाते हैं कहते हैं ये रो रही है आज भी रो रही कल भी रो रही थी अल्लाह के आगे रोए उनके आगे स्ट्रोंग बन कर रहे हैं यू नो वट ये आपने सही किया या आपने गलत किया तो अपनी अपनी पर्सनैलिटी को देखें किस जगह पर किस इमोशन को रखना है और उस जगह पर रख कर आपको क्या फायदा मिल रहा है दुनिया और आखरत का ठीक है ना ये ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं जैसे हम हुस्ने उस, अखलाक पढ़ते हैं ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और तरीके पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है कि आप पजल के पीसेस को वहीं पर रखे जाते हैं और तस्वीर कंप्लीट हो जाती है लेकिन जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपरवाह होते हैं नहीं जानना चाहते ना जानते हैं तो फिर क्या होता है जल की पीस को देखे कभी उल्टा पुलटा रख रहे होते हैं लोग समझ ही नहीं आ रही होती उनको कि कहाँ रखें वो फिर वो हंसने की जगह पे रो रहे होते हैं रोने की जगह पर हंस रहे होते हैं। और समझ ही नहीं आती तो अल्हमद रबीआलम के अल्लाह सुबह ने हमको तोफीक दी है कि हम ये समझें कि रसुल्ला सल्लाम का सल तरीका क्या था एक दफा क्या हुआ कि हजरत Uh, सौदा का पता है ना आपको वो बूढ़ी थी जब उनकी शादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी उन्होंने ख्वाब एक देखी थी कि चांद जो है वो टूट के तो मेरे मेरे ऊपर गिर गया तो उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये ख्वाब मैंने देखी है तो उन्होंने कहा कि मैं तो मर जाऊंगा पर तुम्हारी शादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी गया ऐसे कहा था कि किसी बड़े बंदे से मेरे ख्याल मेरे रसूल से कहा था चांद के वो ही लेते थे और ऐसा ही हुआ कि वो फौत हो गए और हजरत खदीजा भी फौत हो गई तो जब अः जिन्होंने रसुल्लम को मशवरा दिया उन्होंने कहा था कि हजरत सौदा भी हैं बड़ी एज की हैं लेकिन ये कि मतलब वो संभाल लेंगी बच्चों को तो फिर हजरत सौदा रती से रसूल की शादी हुई थी तो एक दफा उन्होंने कहा कि मैं रसूल नमाज पढ़ रहे थे और रसूल ने रुकू किया और इतना लंबा रुकू किया और ये उनके साथ थी तो बाद में कहती हैं अल्लाह आपने इतना लंबा मेंसूल किया मुझे लगा कि मुझे नाक बार -बार को पकड़ रही थी कि कहीं अभी शुरू के शुरू तो इस इतने मुस्कुराए <laughs> उनकी बात से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी छोटी चूट छोटी चीजों के ऊपर मुस्कुराना अपने घर वालों के साथ स्पेशली अच्छा कितने लोग हैं ना अपने हस्बैंड के साथ कोई मुस्कुराते कोई नहीं आइए जी सलाम अलैकुम खरा जी आपको जी अच्छा ऐसे जैसे किसी ऑफिस में बंदा एंटर हो गया और कोई बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन वाली जगह है और वहां पर मुस्कुराहट का कोई शाइबा तक नहीं हम्म तो एक सेकेंड अच्छा एक दफा क्या हुआ कि हजरत आयशा रहा अः जैसे बताती है ना कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते थे तो हमारे साथ घर का काम कराते थे तो कहती है कि एक दफा अः रसुल्ला अपना कुछ चीज जोड़ रहे थे किसी को स्टिच कर रहे थे और मैं काम कर रही थी तो मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो रसुल्ला के माथे के ऊपर जो पसीना था वो निकल रहा था जैसे आपको पता है ना पसीना आस्ता आस्ता आ रहा था तो कहती है इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मेरे से नजर ही नहीं हटी और मैं देखती ही चली गई इतनी खूबसूरत तो रसुल्ला उसने देख के कहते हैं आयशा क्या हो गया आप मुझे इतने और से क्यों देख रहे हो उसने कहा तो उन्होंने कहा कि वो जो शायर ने शेर कहे हुआ ना वो आपके ऊपर बड़े फिट बैठते हैं और आपकी खूबसूरती के ऊपर तो उन्होंने कहा हाँ तो आप सुनाओ मुझे वो शेर तो सतयशाह ने वो सुनाया कि आप इससे प्यारे और इससे प्यारे बहुत प्यारा सा शेर सुनाया तो रसूल वसल्लम ने मुस्कुरा कर उठ के आयशा के माथे के ऊपर बोसा दिया और कहा जो सीन आपने देखा है उससे प्यारी बात आपने की है अब आप जरा सोचें कि ये क्या खूबसूरत ताल्लुक है हुँ? क्या खूबसूरत ताल्लुक है कितनी कौन सा वक्त होता है कि जब हम जिनके माँ बाप घर में है? उनके लिए कि आप अम्मी अबू के लिए ऐसे कोई अच्छी बात करते हैं और जिनके हस्बैंड हैं वो अपने हस्बैंड के लिए अपने बच्चों के लिए ऐसी बात करते हैं जस्ट इमेजिन प्लीज सोचे जरा मैं अपने बारे में सोचती हूँ आप अपने बारे में सोचें कितनी दफा हम मुस्कुरा के किसी को कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे वो भी मुस्कुराए और खुश हो जाए उसका दिल और हमारा भी दिल खुश हो जाए बहुत कम बहुत कम हमारी जिंदगियों में से ये चीज निकली हुई है वजह से, जी, मैं बस यही शेयर करना चाह रही थी कि अक्सर हम बाहर वालों के साथ कर लेते हैं जो नहीं होते ना फैमिली के लेकिन फैमिली वालों को हम इस तरह तारीफ कर देना या आउट ऑफ जाके कोई अच्छे अल्फाज बोल देना पता नहीं क्यों ऑकवर्ड क्यों फील हो रहा होता है हमें और हुँ. वो हम फॉर ग्रांटेड शायद ले रहे होते हैं उनको या क्या सीन है और किसी बाहर का कोई बंदा होएगा उनको हम कह देंगे कि हाँ जी आप आपने ये चीज अच्छी है आई थिंक इट विद ऑल ऑफ अस आई डोंट नो हाँ जी how... बिल्कुल हुँ. बिल्कुल मोस्ट अच्छा आपको मजे की बात बताऊं आप जो है ना जमाना जो है ना वो पलट गया जमाना उल्टा हो गया हर चीज जो अच्छी थी ना वो बुरी समझी जाने लग गई है और जो बुरी है वो अच्छी समझी जाने लग गई है ठीक है ना अब अगर आप अब आप छोटे छोटे बच्चों को बाहर जाते हुए अगर प्यार करेंगे तो कहेंगे माम डोंट डू दैट इन फ्रंट ऑफ पीपल प्लीज हम तो आप हैरान होते क्या प्यार लेने में भी और माँ अगर प्यार करी और नहीं शर्म आती है इस चीज से यही आ, आ, सुभान अल्लाह और अगर आप कह देना कि अपने बहन भाई को कहो कि आई लव यू उस समर स्कूल के बीच में सूर्य यूसुफ हमने की थी अच्छा उसमें जब ये बात आई ना कि या अबती राइ तो अहदाश या बन वाली वो जो, जो आया था ना कि Uh, उन्होंने अपने अबू को कहा ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान hmm? तो मैंने सारे बच्चों से कहा ओके टेल मी हाउ डू यू कॉल योर पेरेंट्स अब अपने घर में जब आप यू यू समथिंग से टू योर पेरेंट्स हाउ डू यू क्या कहते हैं उनको एड्रेस uh, दम कैसे क्या वर्ड बोलते हो बोला आप यकीन करेंगे कि बच्चों ने कहा वी डोंट इवन कॉल दॉल मॉम और डैड आई जस्ट एक बच्चे ने कहा आई जस्ट गो टू दई नीड दिस अपनी अम्मी को अम्मी नहीं कहते हो हम तो अम्मी जी अम्मी जान मामा जी यानी कौन कौन से अलकाबात हैं जो हम अपने माँ बाप के लिए देते हैं लेकिन you don't say that all कर नहीं क्या जरूरत है जो चीज चाहिए बचा के कह दू कि ये चीज चाहिए तो इतने ये छोटी छोटी सी चीजें भी हमारी जिंदगी में से गायब हो रही है विदाउट इवन नोटिसिंग वो वो मुझे शेर इतना अच्छा लगता है वाई हसरत वो क्या है मेरे कारवां से एहसास एहसास ही र ज़िया जाता रहा वाई हसरत कारवां के दिल से एहसास से हां ये तो दूसरा वाला शेर है ना पहला क्या है वाई हसरत पता नहीं ओ, वो मुझे बहुत ही प्यारा शेर है बहुत ही प्यारा शेर है वो कहते हैं कि हसरत है इस चीज के ऊपर के कारवां से चीजें चोरी हो रही हैं और ये के हस, उसके ऊपर दुख भी नहीं हो रहा उससे बड़ी मुसीबत ये कि उस जाने के ऊपर दुख भी नहीं हो रहा एक तो चोरी हो रही और दूसरा दुख भी नहीं हो रहा तो इस वक्त ये एहसास हमारे अंदर से ऐसा साथ भी जा रहे हैं खुशियां भी जा रही हैं, हैं छोटी-छोटी मोहब्बत के जो जेस्चर्स थे वो भी गायब हो रहे हैं सो वी नीड टू ब्रिंग देम थ्रू लर्निंग फ्रॉम uh, सुनना सुनना से ये समझ समझ के अपनी जिंदगी में वा, वापस वो चीजें लाए जब भी अम्मी अबू को देखे तो मुस्कुराए जब अपने uh, घर में जो जिनके हस्बैंड है वो हस्बैंड को देखे तो मुस्कुराए तारीफ करें एक, उनकी एक इतनी प्यारी यानी रसुल्लाट जिंदगी के हालात में पड़ी थी वो जो है ना बुक मैंने आपसे कहा था ना लेके रखे रसुल्ला की मुस्कुराहटें हजरत आयशील तक बहुत ही प्यार था रसूल से एंड शी वॉज पोजेसिव यानी उनको था कि ये मेरे हस्बैंड है और सारी दुनिया लड़ती है आयशा बड़ी छोटी थी और उनकी शादी हो गई यहाँ पर अगर वो पढ़ने लग जाए कि हज़रत आयशा रसूलुल्लाह रसोल के साथ मामला क्या करती थी तो हैरानी हो जाए तो एक सफर में हज़रत हफ् और हज़रत आयशा ये दोनों अः इन दोनों का ग्रुप था और दोनों बड़ी स्ट्रांग थी ना हजरत हफ्ज उमर रजीला की बेटी थी और हजरत आयशा हजरत अबू बकरी थी तो कहती है कि एक सफर में हम दोनों साथ जा रही थी अब हजरत ने ऊंट बदल लिया कि तुम मेरे ऊंट पे बैठ जाओ मैं तुम्हारे ऊंट पे बैठ जाती हूँ तो जब बैठ गई तो रसूल हजरत आयशा के पास जाना पसंद किया करते थे ना तो हजरत आयशा कई ऊंट समझा कि इस पे आयशा ही बैठी है तो उनके साथ जाके ऊंट उनके साथ चलने लग गया उनका लेकिन उनको पता चला कि ये हफ्सा बीच में बैठी हुई लेकिन उन्होंने अपने ऊँट को फिर ये नहीं हिलाया कि अब मैं दूसरे ऊँट के पास चला जाऊंगा उतर है। उसी के साथ चलते रहे जब रहेशाउट तो रसूल so अपना पाँव उन्होंने घास के बीच में रखा और कहा अल्लाह सुबह कोई बिच्छू या सांप आए और मुझे डस ले अब मैं रसूल को तो कुछ नहीं कह सकती वो जो दुख उनको था कि रास्ते में रसूल ने मेरे पास पलट के वापस नहीं आए कि जब डिस्कवर कर लिया कि वो मेरा मेरे ऊँट पे मैं नहीं बैठी हुई हफ्सा बैठी है तो फिर पलट के मेरे पास क्यों नहीं आए तो क्या कह रहे हैं हाँ तो सुबह अल्लाह जरा देख लें कि क्या उनकी खुशियां थी साथ रहना और ये वो और कितनी प्यारी अः तालुक एक दूसरे के साथ कितनी मोहब्बत और रसूल सल्लाम ऐसी बातों पर मुस्कुराया करते होते थे हुँ? वो उस पे मुस्कुराए थे ना वो जो बंदा आया था और अः उसने कि मैंने रमदान के बीच में अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम कर लिया तो रसूल वसम ने फरमाया कि फिर कफारा अदा करें उसका तो उसने कहा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रोजे रख ले वो मैं रख नहीं सकता सदका करो वो मेरे पास पैसे कोई नहीं तो रसुल्ला ने कहा ओके वो खजूरों के जो वो आया हुआ है टोकरी वो जो ये ले आओ और ले जाओ और सदका कर दो जी सबसे ज्यादा गरीब जो मदीना का घर है उसको करूं तो रसुल्ला ने फरमाया हाँ उसने तो कहा तो फिर मेरे से ज्यादा तो गरीब कोई है कोई नहीं इस मदीना तो रसुल्ला इतनी ज्यादा मुस्कुराई कि रसुल्ला की दाढ़ी नजर आने लगी और उनका जाओ आप ही खा लो खुद ही खा लो अपने घर वालों को खिला दो तो डिफरेंट आप देखेंगे कि घर वालों के साथ भी मुस्कुराते थे बाहर वालों के साथ भी मुस्कुराते थे जो लोग सवाल करने वाले होते थे उनके साथ जो तो सहाबा के साथ बातें करते हुए हुए मुस्कुराते थे कोई हदीस बताते कि एक बंदे के बारे में रसुल्ला बता रहे थे कि क्यामत के दिन अः बंदा कहेगा कि अल्लाह सुहा खूब मुस्कुराए पहले तो जब पूछे साहबा ने कि आप क्यों मुस्कुराए तो रसुल्ला साहब ने बताया उस बंदे का मामला कि जो बंदा कहेगा अल्लाह ये तो सारे जो है ना मेरे खिलाफ ही बोलेंगे मेरा मेरा तो सिर्फ जिसम ही अपना है ना आप मेरी गवाही लें मेरे बारे में तो अल्लाह लेबहान कहेंगे ओके ठीक है चलो फिर और उसकी जुबान को बंद करेंगे और उसके हाथ पैर सारे बोलने लग जाएंगे और फिर जब उसको गोयाई वो सारे उसके खिलाफ गवाही देंगे तो जब वो उसकी जुबान को आपस मिलेगी एबिलिटी तो वो कहेगा तुम्हारा नाश हो गए तुम मेरे ही हाथ और मेरे ही पाओ और मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो यानी उस वक्त इस बात पर रसुल्ल मुस्कुराए कि खुद से ही कहेगा कि मेरे मेरे को दें कि ये दे और जब गवाही देगा तो वो भी इसके खिलाफ लो फिर उसके ऊपर में सबसे आखिर में निकलेगा और बार बार अल्लाह तला से कहता जाएगा कि अल्लाह तला और मुझे उधर तक ले जाए उधर तक ले जाए उस दरख्त तक ले जाए अल्लाह जन्नत भी दे दें और फिर अल्लाह तला जब कहेंगे कि जन्नत और जितनी सल्तनत है उससे डबल और भी हैरान तो होके कहेगा कि अल्ला आप मेरे साथ मजाक करते हैं तो अल्लाह तला कहेंगी कि नहीं ये मजाक नहीं है ये सारा कुछ तुम्हारा ही है और बहुत सारी जगह पर अल्लाह सुबहान मुस्कुराना भी मिलता है ठीक अल्ला है अल्लाह सुबहाना भी मुस्कुराते हैं अल्लाह तला की ज़ात और सिफात के बारे में इल्म जरूर होना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज अल्लाह को अल्लाह तला के साथ हम नहीं जोड़ सकते वो नहीं जोड़ सकते लेकिन अल्लाह तला के अल्लाह के रसूल रसुल बताया कि अल्लाह तला मुस्कुराते हैं किस बंदे पे भला ढूंढे तो सही ना इस चीज को चले आज आपको ये देते हैं कि अल्लाह सुबहान तला किस किस चीज़ पर मुस्कुराते हैं एक चीज मैं बता देती हूँ कि वो बंदा जो अकेला होता है अपनी बकरियां जैसी चरा चरवाही की मिसाल है कि जो जाता है और वहां पर आजान देता है और इकामत कहता है अकेला होता है लेकिन वो सारे काम करता है जो अजर और सवाब वाले हैं और फिर अल्लाह तला की आगे झुकता है और नमाज पढ़ता है तो अल्लाह सुबहान तला इस बात पर मुस्कुराते हैं किस इस बंदे को देखें कि किस तरीके से अकेला है लेकिन ऐसे करे जैसे बहुत बड़ी जमात उसके साथ है और वो नमाज अदा करता है पूरे तमाम के साथ कायम करता है हुँ? अच्छा क्या टाइम हो गया साढ़े नौ एक और हदीस पढ़ लेते हैं नबीदर कौल अबूदर रदी से रिवायत है कि उन्होंने कहा कौल अली कहा मुझसे नबी वसल्लम नबी करीम वसल्लम ने किसी भी मारूफ की कि किसी चीज को भी हक, हकीर ना समझो मारूफ क्या होती है अच्छी भली बात जो जानी पहचानी होती है सब को ही अच्छी लगती है कोई भी भली बात जो है उसको हकीर ना जानो उसको कमतर ना जानो छोटा ना जानो वाहन हत्या के अपने भाई को खुले माथे के साथ मिलना खुशी के साथ मिलना ये मिलना क्या है आप गुजरते गुजरते कहते हैं असलकुम और आप गुजर जाते कोई आपने उसके साथ कोई मामला नहीं किया कुछ लिया नहीं कुछ दिया नहीं लेकिन अपने भाई को खुले माथे के साथ मुस्कुराहट के साथ मिलना भी ये भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है हो सकता है कि आपकी मुस्कुराहट देखकर कर दूसरा पूरे दिन खुश रहे आपको नहीं पता कि आपकी मुस्कुराहट ने उसको क्या होप दे दी हो सकता है वो बिल्कुल आ, मायूस हो और आप उसको ऐसे सलाम करें कि जैसे आप उससे बहुत ही प्यार करते हैं और आप मुस्कुरा के चले गए तो वो सोचे नहीं कोई है जो मेरी इज्जत करता है कोई है जो मुझे प्यार करता है इस बंदे के दिल में क्या था कि इसने मुझे सलाम किया और मुझे मुस्कुराहट दी तो उसको होप मिल जाए हो सकता है आपको तो नहीं पता और अगर आप देखें ना कि साइंटिफिक फायदे कितने हैं मुस्कुराहट के और खुश रहने के और दूसरों को खुश कर देने के आपके अपने जिस्म में क्या चेंजेस आती हैं मुस्कुराहट से कितने मसल्स यूज होते हैं आप देखें कि ये जो दुकानदार होते हैं उनको कोई आप बहुत अच्छे नहीं लगते लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को चलाना होता है आप दस चीजें निकलवा के देखती हैं उनको तकलीफ देती हैं और दस चीजों को रिजेक्ट करती हैं लेकिन फिर भी वो आपके साथ मुस्कुरा के मामला कर रहे होते हैं क्योंकि उनका बिजनेस चलना है ये तो एक मटेरियलिस्टिक किस्म का मुस्कुराना है ना उसके ऊपर कोई अजर और सवाब तो नहीं उस पर तो उनका बिजनेस चलना है चाहे उनके दिल कितने ही कुड़ रहे हो लेकिन अगर आप अल्लाह की खातिर मुस्कुराएंगे तो आप देखें कि आपको कितने फायदे मिलेंगे दीनी दुनियावी जिस्मानी जहनी तो मेरी प्यारी अपने आप को डिस्कवर करना है अपने चेहरे को गौर से देखा करें मेरी भाभी इतने मजे से कहती है कि कभी शीशे के पास से गुजर के तो मैं पीछे मुड़ के आके देखती हूँ ये आंटी कौन है कभी <laughs> तो हम ही अपने को नहीं पहचानते ऐसे हैं कि अगर हम शीशे में देखें तो मैं कहें, अगर कोई हमारे सामने इस के साथ हो, तो, तो, दे। तो जरा देखिए तो सही कि आपकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी अल्लाह ताला ने कितना प्यारा ये इमोशन आपको दिया हुआ है कितना प्यारा जेस्टर दिया हुआ है इसको इस्तेमाल करें ये आपके पास एक टूल है सवाब कमाने के लिए क्योंकि इस पे अजर मिलता है ये एक सदका तस्वर किया जाता है ये सदका है आप कोई पैसे नहीं खर्च कर रहे कोई अपने कपड़े नहीं निकाल रहे कोई मटेरियल चीज नहीं निकाले लेकिन आप मुस्कुराते हैं अल्लाह की खातिर तो इसको अल्लाह ताला सदका तस्वर करता है इसपे अजर और सवाब देता है मुफ्त में छोटी तो सी आज ही मैं एक सुन रही थी कोई आई गेस एंटरप्रनोर uh, थी कोई एक थी मुस्लिम सेंटर है कोई उसकी मेंबर ना तो वो अपना uh, अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी तो उसमें बस छोटा uh, सा मैं शेयर करूंगी करूँगी uh, सारा जब उन्होंने अपनी लाइफ का बताया कि उनके बड़े फियर्स थे लोगों से मिलना भी एक बहुत बड़ा फियर था एंड शी वाज इन एन एब्यूज मैरिज फिर उनकी डिवोर्स हुई तो वो कहती थी कि मेरे लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में निकलना बाहर निकलना मेरे लिए बहुत बड़ा यानी खौफ था मुझे लोगों से मिलना और मैं कैसे जॉब करूंगी क्योंकि फाइनेंशियल भी, भी उनको आ, स्टेबल होना था तो उन्होंने बस जो पहला इंसडेंट था वो बताया कि बाहर के ही किसी कंट्री में रहती हूँ तो वो बता रही थी कि जहाँ पे भी वो गई जिस जगह पे उनको ऑफर हुई जॉब की द वेरी फर्स्ट डे शी वॉकड इन टू द रूम ऑफ द मैनेजर कहती है ही वेलकम मी विद बिग स्माइल ऑन हिज फेस और उस स्माइल की वजह से वो जो जेस्टर था एक वार्म सा वेलकम था शी सेड कि मैं इतनी काम डाउन हो गई और उसके बाद जिस तरह से भी आ, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली सा उन लोगों ने जितने भी वहां पर लोग थे उन लोगों ने भी क्रिएट किया कि एवरीबॉडी वेलकम हर विद स्माइल और वो ये बार बार कह रही थी कि उसकी वजह से अभी तक ये है कि मैं वो जॉब भी कर रही हूं एंड आई ज़ूमड एंड आई ओवरकेम माय फियर्स और वो मतलब किस तरह वो उन्होंने शेयर किया कि मेरी पर्सनालिटी एक मतलब बंद सी लड़की जो कि कभी भी यानी बाहर नहीं निकली या उस तरह नहीं और अब मेरी पर्सनालिटी ये है कि आई एम हियर गिविंग अ स्पीच टू यू गाइज एंड यू नो मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल गाइडिंग देम एंड शेयरिंग माय लाइफ स्टोरी तो हाउ डिड इट स्टार्ट How did with that, a विध स्म विद वन स्म सुबह देखो ना मैंने आपको क्या कहा था कि एक स्म हो सकता है किसी बंदे की जिंदगी बदल दे और वो yeah. वो किस कदर मतलब एकदम चेंज हो जाते हैं ना, माशाला अच्छी चीज आपने शेयर की ना कि देखो कि हमें नहीं मालूम कि हम किसी को क्या खैर मैंने आपसे पहले भी एक बात कही अगर आप किसी के पास से भी गुजर जाए ना आपने ये कहना अल्लाह इसको मेरी खैर मिल जाए मेरे से कोई खैर ही फूटे मैं इसको कोई अच्छी बात ही कह जाऊं ये ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना मेरे हस्बैंड और ये मैं कहती देखें अगर कोई आपसे जगह मांग रहा है तो आप उसको दे दें आप बेहतरी बेहतर काम करने वाली हो कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है तो आपको इरिटेट होने की क्या जरूरत है कोई अगर पहले निकल गया तो क्या जरूरत है किसी को डराने की क्या जरूरत है कि भाई तुमने गलती किया आप इस सड़क के ऊपर किसी को डिसिप्लिन का आप इधर टीचर नहीं बन सकते एक घड़ी का जो आपने उसको डराया है या आपने जो उसको गुस्सा किया है गाड़ी के जरिए से गाड़ी के चलाने से बता देते हैं कि तुम्हारे पे मुझे गुस्सा है तो क्या उससे दूसरा बंदा डिसिप्लिन हो गया <laughs> ये थोड़ा सा टाइम है जिसमें आपने अच्छी बात कर देनी है तो वो जाके कहेगा नहीं किसी ने मुझे रास्ता दिया था मैं भी किसी को रास्ता दूंगा हालांकि मैं गलत कर रहा था लेकिन उसने मेरे साथ अच्छा किया यानी हर मौके पर आपने ये देखना है मेरे से कैसे खैर किसी को मिल जाएगी अपने से तकलीफ देने वाला ना बने किसी को पिंच ना करें किसी को टीज ना करें और ये मुस्कुराहट तो सबसे आसान टूल है जो आप इस्तेमाल करके किसी का भी दिन बना सकते हैं और किसी ने कुछ शेयर करना है एक मैं आ, आ, करूंगी करूँगी हजरतुम सरदी तुम कल बेटा फोत हो गया तो मुस्कुराने की बात बता रही हूँ कि कि किस पे रसूल को मुस्कुराहट आ गई तो वो इस कदर बहस बदहवास हो गई कहने लगी बेटे को गुसल देने वालों से कहने लगी मेरे बच्चे को ठंडे पानी से गुसल ना देना वरना मर जाएगा रसूल रसुल्ला को लोगों ने यह बात बताई कि रसुलसम मुस्कुराए और उनको तवील उम्र की दुआ दी कि अल्लाह तला उनको लंबी उम्र दे चुनाचे उन्होंने तमाम औरतों से ज्यादा उम्र पाई हुँ? और अः किस मौके पर रसुल्ला मुस्कुराए थे कि एक दफा रसूल खुतबा दे रहे थे तो लोगों लोग आए और उन्होंने कहा हमारे तो मवैशी हिलाक हो गए हैं और लोग भूख से निडाल हैं दुआ करें बारिश हो रसुल्ला सलम ने हाथ उठाए और बारिश की दुआ की और बारिश शुरू हो गई वो पूरे हफ्ते होती रही उसके बाद लोग घबराए घबराए आए फिर रसुल्ला सब खुद बता रसूल अल्लाह तो मकान गिर गए और बारिश ही नहीं रुक रही आप दुआ करें कि बारिश रुक जाए रसूल मुस्कुराए कहा कि ये कहीं जेट नहीं होते और दुआ की तो अल्लाह ने बारिश रोक दी यानी लोगों की बातों के ऊपर भी मुस्कुरा सकते हैं जरूरी नहीं कि गुस्सा करके कहें क्या कभी कहते हो दुआ करो कि हो कभी कहते हो दुआ करे ना हो क्या तुम्हारा मसला है तुम किसी जगह पे खुश नहीं रह सकते एक ये हो सकता था और एक ये हो सकता था अच्छा जी ये ले जो तो आप कह रहे हैं ये हम कर देते हैं ये जो हमारे एक्सप्रेशन है ना वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम दूसरे को ये फील करा दें कि उसने गलती की है ये जो हमारा है ना कि हर वक्त हर वक्त दूसरे को ये एहसास दिला देना कि वो गलत है और वो किस जगह पर गलत है अगर मैंने ना एहसास दिलाया तो फिर कैसे पता चल जाएगा लोगों को शर्मिंदा करते हैं ज्यादा खो मतलब बाल की खाल उतारने वाली बात है कि इतनी दफा एक चीज को रिपीटेडली कहना तंग करते हैं तो यू नो वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ फॉर गुड कि अल्लाह सुबहाना तला हमारी जिंदगी को बदल दे कहा से शुरुआत करें मुस्कुराहट से शुरू करते मुस्कुराहट से शुरू करते हैं आप मुस्कुराने लग जाए कोई ऐसे बात हो जाए जिसकी जो आपको बुरी लगे तो अलहमद लाख को लिहाफी कह के मुस्कुरा लें अल्लाह सुबहान तला ऐसा बंदोबस्त कर देगा कि आपके दिल को तसली और सुकून दे देगा क्योंकि उस मुश्किल में से निकलने का यही रास्ता है कि आप सबर और शुक्र का रास्ता इख्तियार करें और अगर नहीं भी करेंगे तो मुश्किल तो उधर ही खड़ी है मुश्किल उधर ही खड़ी है या आप सब्र शुक्र करके उसको बर्दाश्त कर लें और या जजा फजा करके शोर मचा लें और शिकवे शिकायतें करते तो मेरे ख्याल में ये इस दफा का हम अपना टारगेट रखते हैं कि हम मुस्कुराएंगे और इसके ऊपर अजर की उम्मीद रखेंगे अल्लाह की खातिर मुस्कुराएंगे और लोगों को अच्छी उम्मीदें दिलाएंगे लोगों को अल्लाह ताला के बारे में अच्छा गुमान दिलाएंगे और ये अपने दिल में अल्लाह तला से दुआ मांगने लग जाए कि अल्लाह सुबहान तला मुझे आपकी जात और सिफात और आपकी असमां का इल्म चाहिए ताकि मैं जान सकू कि मेरा रब इतनी छोटी चीज पे इतने बड़े बड़े अजर देने वाला है क्या अल्लाह की शान है सची जब कोई गलती करता है ना तो मैं पता है कौन सी तस्वीर पढ़ती हूँ सुबह न कबी हमदे का अल्लाह तेरी क्या शान है कितनी बड़ी तेरी शान है कि तू देख रहा है कि छोटा सा बंदा नुकते से भी कमतर बंदा तेरे जैसी बड़ी शान वाले रब के आगे एक बेदबी कर रहा है नाफरमानी कर रहा है लेकिन अल्लाह तेरी शान कितनी बुलंद है कि तू उस, उसको इग्नोर करता है उसको मोहलत देता है उसको मवाके देता है दुरुस्तगी के तेरे हिल्म के ऊपर तेरी तारीफ है अल्लाह तेरे गुस्सा ना करने पर तेरी तारीफ है कि तू गुस्सा कर सकता है बदला ले सकता है लेकिन तू नहीं लेता वो सुबह नक का वह अभी हम दिखा अफ का बुदरतिकल्ला तू कुदरत रखता है कि किसी को पीस के रख दे खत्म करके रख दे लेकिन तेरी शान ऐसी है कि तू ऐसे माफ करता है जैसे किसी ने कुछ किया ही नहीं इस तरह की तेरी माफी है तो ऐसा रब का साथ होने पर ही इतनी मुस्कुराहट ऐसी खुशी अल्लाह जो तूने दिया मैं राजी हूं मैं राजी हूँ अल्लाह ताला तो जब आप अल्लाह ताला के साथ मामला दुरुस्त करके मुस्कुराएगी ना तो फिर अल्लाह सुबहाना तला आपको बाकी मौा पर भी मुस्कुराहट की तोफीक दे देगा तोफीक भी मांगे वही है जो हमको ये तोफीक दे सकता है कि हम मुस्कुराएं और अपनी जिंदगी को भी सुकून वाला करें और दूसरों की जिंदगी को भी सुकून वाला करें ठीक